अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ती है डिन नंबर की। डिन नंबर के लिए आपको फाइल करना पड़ता है DIR 3। DIR 3 जैसे ही आपने फाइल कर दिया आपके पास डिन नंबर आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने DIR 3 में जो पर्टिकुलर दिए थे उन पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज हो जाता है, लाइक आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, आपने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली, पैन कार्ड अगर आपका चेंज होकर नया पैन कार्ड आ जाता है और कई बार दूसरा पैन नंबर आ जाता है, या फिर कई बार लेडीज के केस में खासकर होता है कि शादी से पहले उनका नाम अलग होता है और शादी के नाम भी उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो इस तरह के कोई भी पर्टिकुलर में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है DIR 6। अब DIR 6 फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? DIR 6 ऑफलाइन या ऑनलाइन दो तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन इन द सेंस आप फॉर्म डाउनलोड करके उसको फाइल करके, ऑनलाइन ही फाइल होगा वो, और ऑनलाइन आप उसको फिल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलते हैं एमसीए की साइट पर। इसी के लिए गूगल पे आके आपको सिर्फ सिंपली एमसीए टाइप करना है। एमसीए टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन साइन अप पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है B3 पोर्टल पर। जैसे ही आप लॉगिन कर ले तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, एमसीए सर्विसेज के अंदर जाना है। एमसीए सर्विसेज के अंदर आपको क्या करना है, कंपनी ई फाइलिंग के अंदर डिन रिलेटेड फॉर्म्स होंगे आपको वहां पे जाना है और DIR 6 आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, DIR 6 जैसे ही आप ओपन करोगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे ही आपकी अपना इसके अंदर डाल लेते हो ऑटोमेटिकली ये आपका नेम यहाँ से पिक कर लेता है। अब उसके बाद टेबल नंबर 2 में आपको क्या करना है, टाइप ऑफ चेंज बताने हैं। जो जो पर्टिकुलर आप चेंज करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर है उसके रिस्पेक्टिव में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लाइक नेम अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो नेम के केस में आपको इनकम टैक्स का पैन और आधार दोनों लगेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लोगे, नेम और पैन भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर जैसे ही चेंज कर लिए आपके पास कंटेंट ओपन होते जाएंगे। लाइक मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नेम ऑफ डायरेक्टर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये नेम वाला पोर्शन यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं नेम और टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ओल्ड नेम तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नया नाम जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर देना है। आपका फादर नेम जो है वो आप बता दीजिए। अब जो जो पर्टिकुलर ओपन हुए, नेशनलिटी हुई है, डेट ऑफ बर्थ हुई है, ये आपको सारे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स का पैन अटैच करना है। पैन का ऑप्शन अटैच करने के लिए यहाँ पे ओपन नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पैन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप पैन डालिए और वेरीफाई इनकम टैक्स पैन आप चेक कर लीजिए, तो सो दैट आपने जो नाम दिया है वो इनकम टैक्स के डाटाबेस से मैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी इनकम टैक्स पैन की जो अटैचमेंट है पैन नंबर की, तो वो आप अटैच कर दीजिए। आधार नंबर यहाँ पे टाइप करके यहाँ उसकी अटैचमेंट अटैच कर दीजिए, और जो जो पर्टिकुलर आपके पास और कुछ हैं तो आप वो उनमें से अटैच कर दीजिए ताकि आसानी रहे। वैसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है नहीं, पैन आधार आपने दे दिया तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपके पास हैं और आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और एड्रेस में अगर कोई चेंज है, प्रेजेंट एड्रेस और वो परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इसको करिए और आप आगे चलिए। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हो तो आप पहुंच जाते हो इस पेज पर। यहाँ आपको अटैचमेंट अटैच करनी है, जो भी आपने पर्टिकुलर पीछे बताया है, लाइक चेंज इन एड्रेस के लिए आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या फिर आधार कार्ड की कॉपी अटैच कर सकते हैं। ऑप्शनल अटैचमेंट अगर आप कोई चाहते हैं तो वो अटैच कर दीजिए और बता दीजिए वेरिफिकेशन में कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच किए हैं वो सही हैं और जो भी पर्टिकुलर्स यहाँ बताए हैं वो ट्रू हुए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे DSC अटैच करना होगा। DSC आपको यहाँ अभी अटैच नहीं करना, आपको जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करोगे आपको PDF फॉर्मेट में ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आपको फिर अपना और अपने प्रोफेशनल का जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आपकी, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है लाइक CA, CS या फिर CMA जो भी है, तो आप वो इस फॉर्म को सर्टिफाई करके देगा। ठीक है, आप दोनों के अटैचमेंट जैसे ही आप इस पे लगा देते हो, उसके बाद क्या है कि ये फॉर्म वापसी से अपलोड करना है और आपको अगर कोई फीस अप्लीकेबल है तो वो फीस पे करके आपको ये सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे
प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल क्या बताएगा कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं वो वेरीफाई कर लिए हैं और वो सही हैं, और जो पर्टिकुलर आपने बताए हैं वो भी सही हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे अगर सबमिट करते टाइम जो भी है, आप अगर मान लीजिए चार्टेड अकाउंटेंट से आप साइन करवाना चाहते हैं या आप कंपनी सेक्रेटरी से या कॉस्ट अकाउंटेंट से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और वो एसोसिएट है या फेलो है ये आप बता दीजिए, और उसका मेंबरशिप नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। एंड आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिट कर दीजिए। देन सबमिट करने के बाद क्या है कि आपको PDF डाउनलोड होगी। PDF पे आपको अपने और अपने प्रोफेशनल जो आपने यहाँ पे बताया उसके DSC अटैच करके आपको यहाँ वापसी अपलोड कर देना है इसी फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड कर देते हो, आपको जो भी एप्लीकेबल फीस है उसके साथ आप इस फॉर्म को सबमिट करवा दीजिए, एंड आपको कुछ दिन में आपके DIR के पर्टिकुलर्स जो भी हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर।